हैं वो है पिक्सी एक्टिव फिनाइल। फिनाइल तो नाम हम लोगों ने जन अमूमन सभी ने सुना हुआ है, पर इसके नाम के आगे आप लोग अगर देख रहे होंगे तो पिक्सी एक्टिव फिनाइल, एक्टिव लिखा हुआ है कि उसके नाम से ही लग रहा है कि वो कितनी एक्टिव है। ये फिनाइल जो है ये पूरी तरह से एक्टिव है, और ये हमारे घर में जब भी हम इसको काम में लेंगे तो ये पूरी तरह से एक्टिव रह के इसका रिजल्ट दिखाएगी। तो पिक्सी एक्टिव फिनाइल का क्या क्या खास बात है, ये लेवेंडर और मोगरा की खुशबू में उपलब्ध है, दो तरह की बहुत ही शानदार खुशबू में उपलब्ध है, जो इनका इसका जो यूनिक फॉर्मुलेशन है उसके लिए जाना जाता है, जो अपनी सुखदायक खुशबू और यूनिक फॉर्मुलेशन जो आपके घर के वातावरण को सुखद बना देती है। जब भी हम इस फिनाइल से अपने घर में क्लीनिंग करते हैं तो घर का माहौल ऐसा खुशनुमा हो जाता है कि हाँ हम वहां बैठे रहने की इच्छा करती है। हाँ, क्योंकि खुशबू भी एक बहुत तरह का, जनरली हमने लास्ट जब एक सेशन किया था तो हमने देखा था कि खुशबू वाले प्रोडक्ट्स जब डालते हैं तो उसमें भी हम लोग बहुत ध्यान रखा जाता है कि हमें किस तरह की खुशबू को यहाँ इस्तेमाल करना है। तो ये जो खुशबू और इसका जो यूनिक फॉर्मुलेशन है ये आपके घर के क्लाइमेट को सुखद बना देता है, और ये जीवाणुओं, कीटाणुओं और मच्छरों और मक्खियों को दूर रखने में मदद करता है अगर हम पिक्सी एक्टिव फिनाइल को यूज करते हैं तो। और ये पिक्सी एक्टिव फिनाइल हम लोग कहाँ काम में ले सकते हैं वो देखिए आप, इसके कहाँ कहाँ यूजेस है। वॉश बेसिन, शौचालय जहां जहां पर भी बने हुए हैं, टॉयलेट्स में हम लोग इस पिक्सी फिनाइल को आसानी से यूज ले सकते हैं। सिरेमिक फर्श, जनरली आज की डेट में अभी जो जितने भी नए मकान बन रहे हैं या अभी पुराने मकानों में भी कल्चर ये आ गया कि पुराना फर्श हटा के टाइल्स लगा रहे हैं, सिरेमिक के फर्श लगाए जा रहे हैं, तो उन फर्श पर पिक्सी एक्टिव फिनाइल बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होता है, वहां हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जहां थोड़ा सा गंदा इलाका हो जाता है उस गंदे इलाके में हम लोग पिक्सी, घर का जो कॉर्नर या ऐसा कुछ जहाँ हम लोग आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं वहां हम लोग इस पिक्सी एक्टिव फिनाइल के थ्रू बहुत अच्छे से सफाई कर सकते हैं, और कॉमर्शियल यूज भी हम लोग इस प्रोडक्ट का बहुत अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। हम कॉमर्शियली प्रमोट भी कर सकते हैं, हमारे घरों में तो हम लोग करते ही, अस्पतालों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, बैंक्स में, जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ऑफिस होते हैं वहां पर हम लोग इस प्रोडक्ट को बंडल के तौर पर आसानी से प्रमोट कर सकते हैं।